पैनल ऑप्शन का साहब के पास में सेट कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल ऑल प्रोग्राम कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम से देखोगे अगर इंस्टॉल्ड है अब तो है नहीं तो है एक काम कीजिए आप सर जी स्टडी कीजिए स्टार्ट पे कंट्रोल पैनल का लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल का लिखा हुआ है आएगा सर हाँ जो सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में वो किसके अंदर मिलेगा याद करने का सबसे ज्यादा तरीका है आप उनके अल्फाबेट पे चलो मतलब इनके कंटेंट्स पे चलो सिस्टम एंड सिक्योरिटी मतलब सिस्टम के सिक्योरिटी के रिलेटेड में आपको कुछ है सिस्टम करप्ट हो रहा है बैकअप में रखना है वो सारी चीजें दूसरा इंटरनेट के रिगार्डिंग इंटरनेट एंड नेटवर्क के रिगार्डिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी तीसरा हार्डवेयर एंड साउंड प्रिंटर चल रहा है नहीं चल रहा है हार्डवेयर का कैसे है अब वो यहाँ से ठीक है अगला यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेक्टर यूजर अकाउंट में कितने यूजर बनाने यूजर से रिलेटेड यूजर बनाने यूजर डिलीट करना पासवर्ड लगाना बाकी सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी डेस्कटॉप पे सबसे क्या करना है या फिर उसका स्कीम ऐसे रखना है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी एफिलिएंस एंड पर्सनलाइज ठीक है उसके बाद में आपकी जो टाइम है उसको डे सेट करना है या कोई रीजन सेट करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इजी ऑफ एक्सेस ये दूसरा टूल है ये हमारे दूसरे काम में आपको काम आएगा ठीक है शॉर्टकट से भी होगा लेकिन स्कोर भी कम होता है प्रोग्राम्स जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो प्रोग्राम्स के अंदर है सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी लेकिन प्रोग्राम है फीचर्स डिफॉल्ट प्रोग्राम मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ना जब मैंने क्लास अटेंड की थी आपको मैं बता रहा था कि BLCM क्यों यूज करते हैं और विंडो मीडियम प्लेयर हम क्यों यूज करते हैं ठीक है कभी कभी क्या होता है मैं आपको वीडियो देता हूँ सारी वीडियो आपकी ओपन हो रही है इसमें विंडो मीडियम प्लेयर में ठीक है लेकिन मैं हर बार क्या करता हूँ एक ही तरीके में राइट क्लिक करके करना पड़ रहा है BLCM चलाने के लिए ठीक है तो उसकी भी मैं आपको चांसेस यहाँ पे बताऊंगा उसको कैसे सेट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम में फीचर्स में है जाइए वहाँ पे अब यहाँ पे मुझे बताइए कुछ सबको दिखाई दे रहा है कुछ है इंश्योरेंस के अंदर नहीं तो हमने आपको एक पेन ड्राइव दिया उस पेन ड्राइव के अंदर आपके पास में सॉफ्टवेयर है ठीक है अब पेन ड्राइव कहाँ पे है आपकी इसको क्लोज कर दीजिए इसलिए इतनी मिनट में देता हूँ आपको इसको क्लोज कीजिए इसमें लोगों इस विंडो को बंद कर दीजिए हाँ अच्छी बातें दी गई थी अब ये आपकी पेन ड्राइव है इसको ओपन कीजिए हाँ आपके पास यहाँ पे ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर कौन सा है ये ठीक है इसका फॉर्मेट की टाइप की मैं आपको कुछ बताया तो आप इसको पहले रन कीजिए ओपन कीजिए अभी ये एक पेंट फाइल है ठीक है अब इसे यस कीजिए नेक्स्ट कीजिए ये जो लोकेशन है डेस्कटॉप पे ओपन ऑफिस का फोल्डर बन के आएगा जैसे आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं ये एक पैकेट है ठीक है इस पैकेट को आप अभी अनपैक कर रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट ये ऐसा पाथ देता है जो डेस्कटॉप पे इस फोल्डर के नाम से इसको बनाने लगेगा कीजिए सर अनपैक कीजिए ये ब्राउज़ से इसका डेस्टिनेशन फोल्डर भी आप डिजाइन कर सकते हो जमा
आप तो चेता जाते रहे यहाँ ठीक है सर इंस्टॉलेशन का आपको आइकन यहाँ पे हाईलाइट करके दिख रहा है कौन सा होगा कुछ सेटिंग साइड पे आ रहा है ना कहाँ पे आ रहा है क्लिक कीजिए इस पे अब आपका सेटअप स्टार्ट हो रहा है अब क्या करोगे इसे नेक्स्ट करोगे ठीक है ये तो ऑप्शन याद आपको देखने पड़ेंगे अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपने लिए यूज करना चाहते हो तो क्या करोगे आप ओनली फॉर मी बट मुझे ना डाउट है इन दोनों बटन को बोलते क्या है इन चीजों पे मैं बहुत ध्यान रखता हूँ इन दोनों को बोलते क्या है सर आपसे आप बताइए इन दोनों बटन को बोलते क्या है इन दोनों बटन को बात करो दोनों बटन को बोलते क्या मैं इनका काम नहीं पूछ रहा हूँ बटन का नाम पूछ रहा हूँ आपके बराबर में आप ये क्यों जिंदगी करते हो आप करो यही करते हो उनसे नहीं होना तो मेरे से कैसे हो सर आप बताइए मिशन बटन या सब सॉल्यूशन बटन समथिंग लाइक दैट आप बताओ रेडियो बटन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेडियो बटन को रेडियो को बोलते हैं ना आपने आप तो सुन रहा हूं मैं शुरू हो गया कुछ हो ना ये इंडस्ट्री है जी वो परमिशन मांग रहे हैं किसको करना है आप उसको रेडियो बटन बता रहे हैं मैं आपको इस बटन के बारे में पूछना है तो काम नहीं चल रहा रेडियो बटन में स्पेसिफिकेशन होती है और आपके पास मैंने चार पांच बॉक्स दिए ना सिर्फ बटन भी है तो आप एड एड में से एक ही सिलेक्ट कर सकते जैसा फॉर्म सबमिट करते हो ऑनलाइन वहाँ पे जनरल आता है आपका मेल आपके मेल में जो रेडियो बटन ही होते हैं ठीक है तो वो चीज है यहाँ पे रेडियो बटन एड एड पे आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप देखें 20 साल पहले रेडियो होते थे तो दो दो बटन एक साथ आ सकते थे लेकिन एट ए टाइम पे आप एक एक फिंगर से इसको पकड़ते थे दूसरे इसको पकड़ते थे जैसा चला सकते थे हां चला सकते थे देखिए कौन से रेडियो पर हां बहुत बड़े बड़े कॉल होते बहुत बड़े बड़े रेडियो बड़े बड़े से तो उसमें एक चार दो बस दो हो गया एडजस्ट करते थे मेरे पापा बहुत शकीन है 70-70 साल पुराने रेडियो पर हैं कुछ के जो पुराने कंप्लेंट्स वाले हैं तेल से कुछ भी नहीं बड़े बड़े हाँ बड़े बड़े रेडियो चले थे ये कितने बड़े मंगाया पिछले हफ्ते अभी मंगाया वो एक से किसी ऐड की थी 1700 रुपए का पुराना है 75 के थे इनको रेडियो बटन बोलते हैं अच्छा जो आपके पावर बटन होते हैं उस टाइप के बटन है तो स्पेशली रेडियो बटन क्यों सर स्पेशली इनको रेडियो बटन इसलिए बोलते हैं कि रेडियो बटन हमने इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एट ए टाइम पे एक ही सेट ठीक है दूसरे ने चेक बॉक्स में बॉक्स बन के आता है आप उसे मल्टीपल टाइम से सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है एक लिस्ट आती है ना तो लिस्ट पे हमेशा चेक बॉक्स यूज कर सकते करते हैं जैसे कि रेडियो बटन है इसमें कुछ अलग अलग मैंने देखा है कि ये ज्यादा तो हम इसको भी रेटिंग कर सकते हैं तो तब भी वो रेडियो बटन क्या है वो चेक बॉक्स होते हैं वो नहीं वो सिंपल से नहीं होता है बॉक्स की तरह वर्क नहीं करता हुआ सही शब्द सिंपल से नहीं नहीं होता सर ऑनलाइन से कभी भी नजर अगर फॉर्म है तो फॉर्म में जाता है फॉर्म में अगर बात कुछ भी कर सकते हो बट ऑनलाइन ये चीजें सिर्फ एक ही पे काम करेंगे जब आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना ऑनलाइन वो भी अपने देने में वो ऐसी नजर में आते हैं हां एमसीक्यूज होते हैं ऑनलाइन ना कि वो चीज में फेल उसे रोल सकता हूँ पॉसिबिलिटी नहीं है उनको ना के बराबर पॉसिबिलिटी है क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चॉइस नहीं देते यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन देते हैं या तो ये करो या तो ये हो जाए यस और नो
उसके बाद में अब इनका काम है, अब इनके काम की बात करते हैं। एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर क्या करेगा कि कोई भी यूजर कर सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूजर, ठीक है। तो मुझे सबके लिए करना है तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे एडमिन के लिए करना होता तो मैं इसको ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे बात करें थोड़ी बहुत, सबको पता ही है यहाँ पे रिकमेंडेड आपके पास ऑप्शन आ जाता है, किन किन को यूज करना चाहते हो कस्टम में। कस्टम का मतलब होता है खुद से डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे टिपिकली या फिर मैनुअल जो होता है, मैनुअल और कस्टम दोनों सेम ही होते हैं। ऑटोमेटिक और टिपिकल टाइप का यहाँ पे सेम काम होता है। मैनुअल में भी आप खुद से करते हैं और कस्टम में भी आप खुद से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। जो आइटम्स अगर बात करें थे ना डेस्कटॉप पे आइटम से कर सकते हैं, वो यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। पर इसको हटा दूंगा ना मैं यहाँ से चेकबॉक्स को, ये आपका चेकबॉक्स है, और अभी इसको यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो डेस्कटॉप पे आइटम नहीं बन के आएगा। अनचेक कर दीजिए इसे, हाँ अभी इंस्टॉल कर दीजिए। डेस्कटॉप पे आइए उन आइकन में कहीं तो इसका आइकन आएगा जो वो स्टार्ट मेनू में आएगा, स्टार्ट मेनू आपको वहां से लेके आते हैं। हां वहां से लेके वहां से लेके मैं आपको बता रहा था सर कि काम जरूरी नहीं एक ही टाइप से हो, काम कई टाइप से हो।